हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 26। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सक्षम और मितेश जैसे ही नीचे आए, सबके चेहरों से मुस्कुराहट चली गई और वहाँ शांति छा गई। ये देख मितेश बोला, क्या बात है भाई, हमारे आते ही इतनी शांति क्यों हो गई? कृष्ण जी अपनी कुर्सी से उठते हुए बोले, अरे नहीं नहीं जमाइजा, ऐसी कोई बात नहीं है। मितेश समृद्धि जी के बगल में बैठता हुआ अजीब से स्वर में बोला, चलिए बैठने को तो कहा कम से कम, हमें लगा कि ठाकुर परिवार अपने रिवाज भूल गया है, जमाई को खाने पर बुलाना, अब घर के नौकर आ रहे हैं। ये सुन हृदयान व्यंगात्मक तरीके से बोला, क्यों बिजनौरिया जी, अगर हम बुलाने आते तो खाना हीरे का होता और अब क्या कोयले का हो गया? उसके ऐसे कहने पर मितेश ने मुंह बना लिया। तभी सक्षम हृदयान के बगल में बैठ गया और मितेश समृद्धि जी के बगल में बैठता हुआ बोला, अरे समृद्धि, आपने अब तक खाना नहीं खाया, चलिए हम आपको खिला देते हैं। उसकी ये बात सुन समृद्धि जी पूरी कांप सी गई। मितेश ने एक निवाला तोड़ा और फिर वो समृद्धि जी के मुंह में ठूस सा दिया। जहाँ समृद्धि जी की आंखों से आंसू निकल गए, वहीं कृष्ण जी को ये देख कहीं ना कहीं शांति मिल रही थी। उन्होंने अपनी बहन को किसी अच्छे ही शख्स के साथ ब्याया था। सक्षम अन्वीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, अनु मुझे खाना नहीं परोसोगी? मृगांग का ये सुन बोली, क्यों तेरे हाथ नहीं है? सक्षम उसकी तरफ नजरें फेर कर बोला, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। और उसकी नजरें फिर अन्वीक्षा पर टिक गई। अन्वीक्षा सहमी सी आगे बढ़ी ही थी कि हृदयान उसका हाथ पकड़ते हुए एक सर्वेंट से बोला, इन्हें खाना परोसिए। और फिर उसने सक्षम को घूरते हुए कहा, छोटी ठकुराइन है वो इस महल की, वो आदेश लेती नहीं है, देती है, अपनी तहजीब में रहें आप तो बेहतर होगा। इस पर सक्षम ने मुंह बना लिया। थोड़ी देर तक टेबल पर शांति रही कि तभी मृगांका की नज़र सक्षम पर पड़ी, जो बड़ी ही हवस भरी नज़रों से अपने बगल में बैठी अन्वीक्षा को देख रहा था। साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो नज़रें अन्वीक्षा को कितनी घबराहट दे रही थी। मृगांका ने एकदम से टेबल पर हाथ मारा, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला गया और फिर उसने सक्षम की तरफ देख कर कहा, भाई तू मेरी नब्ज़ पर मत चढ़, मैं किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखूंगी, याद रखना मेरी चार लात और तू हफ्ते भर के लिए बेड रेस्ट पर होगा, इसलिए अपनी औकात में रहकर अपनी थाली पर ध्यान दे, कहीं और नज़र मत डाल। ये सुन सक्षम हड़बड़ा सा गया कि हृदयान उसके प्लेट में पूरी डालते हुए बोला, खाने पर ध्यान दीजिए बन्ना सा, अगर हमें पता चला कि आपकी नज़रें किसी ऐसी चीज़ पर हैं जिस चीज़ पर होनी नहीं चाहिए, तो ये आंखें निकाल के गोटियां खेलने में हमें कोई भय नहीं होगा। और ये सुन उसने तीखी नजरों से उसे घूरा। सक्षम अजीब मुस्कुराहट देकर बोला, अरे भाई साहब आप बिना मजाक करते हैं, और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। वही मितेश बिजनौरिया ये देख कुड़ गया और उसने मन ही मन कहा, तुझे तो तेरे घुटनों पर लाकर ही रहूंगा हिरजान ठाकुर, बहुत गुमान है ना तुझे, तेरे इस गुमान को चूर चूना कर दिया तो मैं भी मितेश बिजनौरिया नहीं। और ये कहते हुए वो भी खाना खाने लगा। तभी रेखा जी उठती हुई बोली, आप सब 1 बजे तक तैयार हो जाइएगा, आज अन्वीक्षा बाईसा की मुंह दिखाई की रस्म है। फिर उन्होंने अन्वीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, चलिए बेटा आपको तैयार होने में भी वक्त लगेगा। फिर ये सुन अन्वीक्षा वहां से उठकर उनके साथ चली गई। कुछ वक्त बाद अन्वीक्षा तैयार होकर शीशे के सामने बैठी थी। उसने मल्टी कलर का जरी वाले लहंगे के साथ गुलाबी रंग की चुनरी ले रखी थी, जो उसके माथे को भी ढक रही थी। राजस्थानी पारंपरिक गहनों में वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। सिर से लेकर पांव तक पूरा राजसी ठाट बाट उसके अंदर छलक रहा था। समृद्धि जी ने उसे काला टीका लगाते हुए कहा, नज़र ना लग जाए भाईसा, कहीं आपको हमारी ही। रेखा जी भी उसका माथा चूमते हुए बोली, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, नज़र उतारनी पड़ेगी अब, चलिए समृद्धि भाईसा सामग्री लेने। और इतना कहकर वो दोनों नीचे चली गई। अन्वीक्षा ने मृगांका की तरफ देखा और फिर सिर से अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा, कैसे लग रहे हैं हम? ये सुन मृगांका उसके पास आई और पीछे से उसे हक करते हुए बोली,
एकदम मेरे भाई की दुल्हन लग रही है। अन्वीक्षा अपना मुंह बनाते हुए बोली, आपने 2 दिन में ही पार्टी बदल ली, वेरी बैड मृगांका बाईसा। मृगांका इस पर थोड़ा इतराते हुए बोली, अब मेरे भाई हैं ही इतने अच्छे, उनके आगे तो फीकी पड़ जाती है। ये सुन अन्वीक्षा हैरानी से बोली, क्या ठीक है फिर जाइए उन्हीं के पास ही। और फिर उसने अपना मुंह फेर लिया। मृगांका हंसते हुए बोली, अरे जस्ट किडिंग, जान है ना तू तो मेरी। और इतना कहकर उसने फिर अन्वीक्षा के गालों को चूम लिया। फिर उसने आगे कहा, पर ना भाई साहब सच में अच्छे हैं, लाइक हाँ आई नो तुझे एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा और तुझे वो खड़ूस लगते होंगे, पर सच में ही इज़ बेस्ट फॉर यू। उसने इतना कहा ही था कि उसका फ़ोन बज पड़ा और वो बाहर की तरफ निकल गई। वहीं अन्वीक्षा ने शीशे में खुद को देखा और फिर कहा, हम नहीं आपके भाई ही हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और इतना कहकर वो अपने अक्ष में ही खो गई कि तभी उसकी नज़र दरवाजे से अंदर आते हुए एक शख्स पर ठहर गई। और आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।